हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रवीण ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी का। ओके, इससे पहले जो है मैंने एक पार्ट अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, और उससे पहले मैंने 5 लेक्चर्स प्रोबेबिलिटी के अपलोड कर रखे हैं जिसके अंदर थ्योरी पार्ट और उनके अंदर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। ओके, तो नेक्स्ट ये सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं करने वाले हैं। इसके बाद जो है दो पार्ट जो हैं और आने वाले हैं। ओके, जिसके थ्रू जो है टोटल कितने पार्ट हो जाएंगे आपके, 4 पार्ट हो जाएंगे। और 4 पार्ट में आपका जितना भी प्रोबेबिलिटी का जो पार्ट रहता है, जिस भी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे। मतलब इन 4 वीडियोज़ के अंदर आपके हर टाइप का क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा। अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी मेरी गारंटी है कि इस 4 वीडियो को देखने के बाद प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का जो टाइप है आपका नहीं रहने वाला, हर टाइप का जो क्वेश्चन है वो इनसे हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट ये फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, क्या है? ये कहता है कि इन टॉसिंग 3 कॉइन्स एट ए टाइम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। तो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। ये कहता है कि कोसिंग टॉस कर रहे हैं किसको, 3 कॉइन्स को। 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो मेरे पास कुछ सैंपल स्पेस इस टाइप से बनेगा, HHT HTH THH, सिमिलरली TTH TST एंड HTT एंड TTT, ठीक है ना? तो कुछ इस टाइप से सैंपल स्पेस बने। इसने बोला कि प्रोबेबिलिटी निकालो गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट, एंड एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड होना चाहिए, एक से ज्यादा हेड नहीं होना चाहिए। ओके, तो एक हेड ज्यादा से ज्यादा एक हो सकता है और एक से कम भी हो सकता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड, अब आपको देखना, या 0 हेड जिसके अंदर एक भी हेड ना हो और एक हेड हो। एटमोस्ट आ जाए तो आपको देखना है, एटमोस्ट जैसे 1 लिखा है तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक और उससे कम कितना भी हो सकता है। एटमोस्ट 2 मतलब 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, फिर आगे उससे ज़्यादा हम ले सकते हैं। ओके, तो देख लेते हैं 1 हेड किसके अंदर, एक तो इसके अंदर है 1 हेड, दूसरा स्ट्रम के अंदर है, नेक्स्ट इसके अंदर है, और एक भी हेड इसके अंदर नहीं है। मतलब ये है कि एटमोस्ट, जब कम से कम 1 हेड की बात करूंगा तो ये 4 चॉइस जो है मेरे पास आएगी, और टोटल कितने हैं मेरे पास, 8। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैंसिल होके 1/2, तो 1/2 जो है इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि 2 बॉल्स are selected from a box containing 2 blue and 7 red balls respectively, ठीक है? 2 balls are selected a box, एक बॉक्स है जिसके अंदर 2 blue ball है and 7 red ball है। अब इन बॉल में से, मतलब टोटल बॉल कितनी होगी मेरे पास, टोटल बॉल होगी 9, और इन 9 बॉल में से मेरे को 2 बॉल जो है वो क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है। क्या करनी है, सेलेक्ट करने हैं, ठीक है ना? ठीक है, अब आगे ये कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 बॉल इज ब्लू। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एटलीस्ट कम से कम एक बॉल जो है ब्लू होना चाहिए। अब देखो, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, निकाले कितने है, 2, तो एक भी हो सकती है ब्लू और 2 भी हो सकती है, 2 कंडीशन। प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या आएगी, 1 बॉल इज ब्लू, एक कंडीशन ये, प्लस में प्रोबेबिलिटी की क्या कि बोथ बॉल्स आर ब्लू, 2 कंडीशन है, ठीक है? तो एक बॉल अगर ब्लू होगी तो दूसरी, अगर फर्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट बॉल अगर ब्लू है तो सेकंड बॉल रेड होगी। ब्लू बॉल कितनी है, 2, तो ब्लू बॉल आएगी 2/, टोटल बॉल कितनी है मेरे पास, 9 × में सेकंड, रेड बॉल कितनी है, 7/, इसका कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ 8 आ जाएगा। 8 क्यों, क्योंकि पहले कितनी थी, 9, 9 में से एक बॉल जो है ऑलरेडी इसने निकाल ली है, मतलब यहाँ रह गई 8। ओके, और ये जो बॉल निकाली है वो 7, मतलब रेड में से कोई भी निकाली है। प्लस में अगर बोथ आर ब्लू, दोनों की दोनों अगर ब्लू है तो मेरे पास क्या रहेगा,
फर्स्ट बॉल मैं निकालूंगा, ब्लू कितनी है 2, टोटल बॉल कितनी है 9, इन दो में सेकंड बॉल निकालूंगा, जब एक ही ब्लू रह जाएगी क्योंकि पहले मेरे पास दो ब्लू है, उन दोनों में से मैं कोई भी निकाल सकता हूँ, तो फर्स्ट के लिए मेरे पास दो चॉइस है। लेकिन जब मैं सेकंड बॉल निकालूंगा तो इसमें एक ही ब्लू रह जाएगी क्योंकि दो ही ब्लू है, डिवाइड बाई यहाँ 8 आ जाएगा। ओके, तो इसका सोल्व करेंगे तो ये 72 इसका एलसीएम आ जाएगा, नहीं तो ऊपर आएगा 14 प्लस में 2, ये क्या आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 72, दिस इज इक्वल टू कैंसिल होके मेरे पास क्या आ जाएगा इसका, ये 8 पे कैंसिल हो जाएगा, 2/9 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर आ जाता है एग्जाम में तो आपको ऐसे करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि इफ एक्स इज ए बाइनोमियल वेरिएट विद एन इज इक्वल टू 2 एंड पी इज इक्वल टू 0.6, देन द वेरियंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स बाय 2 विल बी, एक्स बाय 2 का रैंडम वेरिएबल का वेरियंस अपने को बताना था। तो क्यू की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो 1 माइनस में पी, तो 1 माइनस में ये आएगा 0.6 इज इक्वल टू 0.4, ये क्या हुआ गया। वेरियंस की अगर हम बात करें, वेरियंस 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 मतलब रैंडम वेरिएबल एक्स का वेरियंस जो होता है वो एन पी क्यू के इक्वल होता है, और एन पी क्यू क्या आएगा 2 × 0.6 × 0.4, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर मैं इसकी करूँ तो ये हो जाएगा 0.48, मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा 0.48। इसने बोला कि वेरियंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स बाय 2, तो वेरियंस निकालना है रैंडम वेरिएबल एक्स बाय 2 का, तो यहाँ एक्स के लिए मेरे पास 0.48 और एक्स बाय 2 का, तो इसका जो है आपको डबल निकालना होता है, तो यहाँ आ जाएगा 4। ओके, यहाँ एन का मल्टीपल आ गया 4 और कैंसिल करने पर हो जाएगा 0.12, तो इसका जो वेरियंस है एक्स बाय 2 का वो आ जाएगा 0.12, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और का मतलब होता है यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये दिया हुआ है, देन अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होएंगे, ए और बी इंडिपेंडेंट होएंगे, बी इज द सबसेट ऑफ ए होगा या ए इज द सबसेट ऑफ बी होगा। चलो देखो, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी ए के ही इक्वल आ रही है, तो सिंपल भाषा में ये है कि ए यूनियन बी जो है वो ए के ही इक्वल आ रहा है। अब एक बात देखिए, ए यूनियन बी ए के ही इक्वल आ गया, इसका मतलब बी जो है वो सबसेट है ए का, सबसेट है। तभी तो देखो, सिंपल एग्जांपल अगर मैं दे, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सिंपल ये ले लेता हूँ 1 2 3, अगर मैं ए यूनियन बी करता हूँ तो ए के सारे एलिमेंट आएंगे, बी के सारे एलिमेंट हैं जो इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ए यूनियन बी ए के इक्वल आ गया। तो जब ए यूनियन बी ए के ही इक्वल आ जाता है तो उस केस में बी जो होता है वो ए का सबसेट हो जाता है, ठीक है। या अगर ऐसा होता कि ए यूनियन बी बी के इक्वल होता तो इसका मतलब ये होता कि बी ए जो है वो बी का सबसेट है। ओके, तो इसके हिसाब से ये कहता है कि यूनियन जो है वो ए के इक्वल है, इसका मतलब बी जो है वो सबसेट है इवेंट ए का, तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा इसका क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और आसान सा भी क्वेश्चन है। ये कहता है कि एन इलेक्ट्रिक डिवाइस कंसिस्ट ऑफ 2 बल्ब्स ए एंड बी, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसके अंदर दो टाइप के बल्ब हैं, एक बल्ब ए है और एक बल्ब बी है। फ्रॉम द प्रीवियस टेस्टिंग प्रोसीजर द फॉलोइंग रिजल्ट्स नोन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फ्यूज, ए के फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी ये दी हुई है। बी इज फ्यूज अलोन, अकेला बी अगर फ्यूज होता है उसकी प्रोबेबिलिटी ये दी हुई है। ए एंड बी आर फ्यूज, अगर ए और बी दोनों फ्यूज होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी ये दी हुई है। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्फ ए इज फ्यूज अलोन, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बल्फ ए जो है वो फ्यूज होगा, वो अलोन होगा। ओके, सिंपल सा ये है कि देखिए, अगर मैं सिंपल सी भाषा में अगर बात करूँ तो जैसे दो बल्फ आप ले लेते हैं, एक बल्फ और ये दूसरा बल्ब हो गया इस टाइप से, ठीक है ना। हाँ जी, दो बल्ब हो गए आपके पास।
जब आप टेस्ट करेंगे, मान लेते हैं पहले इस बल्ब को लगाएंगे फिर इस बल्ब को लगाएंगे, दोनों के दोनों बल्ब का एक दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये फ्यूज हो गया तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर ये फ्यूज हो गया तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, दोनों में से एक फ्यूज होगा तो अपना अपना होगा, ऐसे तो है नहीं कि ये फ्यूज हो गया तो ये फ्यूज हो गया तो ये चल नहीं सकता, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब दोनों के दोनों क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो जब भी अलोन की बात आए इंडिपेंडेंट केस में, तो अलोन बोलो या ए फ्यूज्ड बोलो एक ही बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फ्यूज्ड इज इक्वल टू हो जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फ्यूज्ड अलोन, दोनों क्या है इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि ए फ्यूज्ड होगा तो अकेला ही होएगा, अगर दोनों होंगे तो कोई बात नहीं है, ए का बी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये अलोन की प्रोबेबिलिटी और ए के फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी दोनों क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो 0.20 वो दिया हुआ है, इसने 0.20 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि इफ फोर डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फोर डाइस है अगर मैं उन डाइस को क्या करूंगा, थ्रो करूंगा टुगेदर, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर अपियरिंग ऑन देम इज 25। तो जल्दी से इसका जो है मेरे को आप आंसर बताएं कमेंट करके, और उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट करवाता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास चल रही है जिसके अंदर आपको साइड में बॉक्स दिख रहा होगा जहाँ जो है आप कमेंट कर सकते हैं, और इसके बाद जो है ये ऑफलाइन अपलोड हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो जो भी ऑफलाइन इस वीडियो को देख रहा है, मतलब बाद में अगर इस वीडियो को देख रहा है, तो वह जो है पहले क्या करें, वीडियो को स्टॉप करें और उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, और जो आंसर आता है उसके बाद जो है वीडियो को चला के उसके साथ मैच करें। ओके, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप जो है वीडियो को चला के भी देख सकते हैं, तो दोनों चॉइस है आपके पास। और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। ओके, चलो जल्दी से इसका आंसर मेरे को बताएं और फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। चलो देखो क्या है, बड़ा ही आसान सा ये क्वेश्चन है। ये कहता है कि इफ फोर डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फोर डाइस है, चार डाइस है, अब जब एक डाइस को थ्रो करते हैं तो मेरे पास सिक्स जो है सैंपल पॉइंट बनते हैं, तो चार को करेंगे क्या आएगा, सिक्स की पावर फोर बनेंगे, ठीक है, कितने बनेंगे, सिक्स की पावर फोर बनेंगे, तो और सिक्स की पावर फोर होता है 1296, तो जो सैंपल पॉइंट बनेगा उसके अंदर इतने एलिमेंट्स आएंगे। अब ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब सम ऑफ नंबर अपीयरिंग इज ऑन देम इज 25, जो सम जो नंबर आए उनके अंदर मेरे उनका जो सम है वो क्या होना चाहिए, 25। जैसे मेरे पास फर्स्ट डाई करेंगे तो 1111 आ सकता है, तो टोटल सम कितना होता है 4। इस टाइप से सम जो है वो कितना होना चाहिए, 25, जिनका सम 25 है तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली है कि जो लास्ट जो इवेंट है वो 6666 ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, और इसका जो सम होता है वो 24 है। देखो ये जो है वो सबसे बड़ा जो सैंपल पॉइंट है, मतलब ये लास्ट लास्ट इसका सैंपल पॉइंट है, आप सभी को पता है कि 6666 ही आ सकता है जब एक डाई को, इसका सम ही 24 है, इससे पहले वाले सभी का सम क्या होगा, 24 से तो कम ही होगा, लेस देन 24 होगा। इसका मतलब ये होगा कि जब मैं फोर डाइस को थ्रो करूंगा तो ऐसा कोई भी सैंपल पॉइंट नहीं होगा जिसका सम 25 आए। तो सिंपल है क्या कि ई इवेंट मान लेता हूँ कि सम क्या आता है 25, और ई तो एम्प्टी रह गया, ई एम्प्टी रह गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी, जीरो हो गई। तो इसका मतलब क्या कि जो मेरे को बताना है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। हाँ जी, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन जो है एनडीए 2012 के अंदर आया हुआ है, फर्स्ट के अंदर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग ए करेक्ट आंसर इज दिस, एंड इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर इज 2/3, देन व्हाट इज एक्स इक्वल टू। तो आपको बताना है कि जो एक्स है वो किसके इक्वल होगा, तो जल्दी से इसका आंसर मेरे को आप बताएं।
देखिए कैसे करेंगे, टाइम सब हो गया आपका। देखिए ये कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैसिंग ए करेक्ट आंसर, किसी भी आंसर को करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्स बाय 12, ठीक है। और नोट गैसिंग मतलब गैस करके नोट गैसिंग करेक्ट करने की आंसर प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3, कितनी, 2/3। आपको पता है ये करेक्ट करने की है और नोट करेक्ट करने की, क्या अगर कैसे करते हैं, वन में से माइनस करेंगे तो वो नोट करेक्ट आ जाएगा, तो वन में से क्या माइनस कर देते हैं, 2/3, ठीक है। तो ये एक्स बाय 12 जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस 2/3, और 1 माइनस 2/3 कितना होता है, 1/3, और 12 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इतना आसान सा ये क्वेश्चन था। ओके, जिसने भी ऑप्शन सी बताया है उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, यूनियन की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, देन प्रोबेबिलिटी बताना है बी बाय ए की। तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आप तीनों का यूज करके निकाल सकते हैं, क्योंकि यूनियन इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, इंटरसेक्शन निकालना है, इन तीनों की वैल्यू आपको पता है, आप यहाँ पुट करो इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहाँ पुट करो ए की प्रोबेबिलिटी पता है, ठीक है। तो सभी प्रोबेबिलिटी पता ही है आपको, पुट करके सिर्फ ये सिर्फ वैल्यू बतानी है। तो इसका जो है आप मेरे को आंसर बता देना कमेंट करके, और नेक्स्ट मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है ये, कहता है कि एक बैग कंटेन 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है, इस टाइप से बैग है, इस बैग के अंदर 5 जो है वाइट बॉल है और 3 जो है वो ब्लैक बॉल है, तो टोटल बॉल्स इसके अंदर होगी 8, ठीक है। 4 बॉल्स आर सक्सेसफुली ड्रोन आउट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इस 8 में से मेरे को 4 बॉल जो है वो सेलेक्ट करनी है, या मैं कह सकता हूँ कि ड्रॉ करनी है। द प्रोबेबिलिटी दैट द दे आर अल्टरनेटली ऑफ डिफरेंट कलर, तो वो जो है वो अल्टरनेटली डिफरेंट कलर होना चाहिए। अल्टरनेट मतलब जैसे पहली वाइट है तो दूसरी ब्लैक, फिर तीसरी वाइट, फिर ब्लैक, या पहली ब्लैक है फिर वाइट है फिर ब्लैक है फिर वाइट है। तो मैंने आपको क्वेश्चन तो बता ही दिया, इस टाइप से आपको निकालना है, तो जल्दी से इसका आंसर मेरे को आप पहले बता दें, ठीक है, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन जो है वो करवा ही देता हूँ। तो देखिए क्या है, जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है जो मेरे को मतलब निकालनी है, इसने बोला है कि अल्टरनेट होना चाहिए। अल्टरनेट मतलब क्या, कि जैसे पहले हो सकता है कि फर्स्ट जो बॉल है वो वाइट आई, तो इसका मतलब दूसरी ब्लैक आएगी, फिर से वाइट आएगी, फिर से ब्लैक आएगी, एक कंडीशन ये हो सकता है कि पहली ब्लैक आए फिर वाइट आए फिर ब्लैक आए और फिर वाइट आए। अब देखिए पहली वाइट आई बॉल, वाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, वाइट कितनी बॉल्स हैं, 4 5 है, 5 डिवाइड बाय कितनी बॉल्स है, 8 है, तो 5/8 इंटू में फिर से ब्लैक बॉल आएगी, ब्लैक बॉल कितनी है, 3 3 में से कोई भी एक ब्लैक बॉल आएगी, लेकिन अब यहाँ 8 नहीं, यहाँ 7 आएगा, क्योंकि एक बॉल जो है वो ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है वाइट वाली। तो यहाँ 8 नहीं, अब यहाँ 7 में से इसने निकालना है, इसने बोला नोट रिप्लेस, तो उस बैग में अब 7 बॉल रह गई, ठीक है। नेक्स्ट बॉल जो निकालेंगे फिर से क्या निकालेंगे, वाइट, और वाइट कितनी है, 5 5 नहीं, अब वो 4 है, क्योंकि एक जो ऑलरेडी निकाल रही है तो वो रहेगी 4, और यहाँ रहेगा 6, क्योंकि 6 ही बॉल उसमें रहेगी। नेक्स्ट ब्लैक, ब्लैक यहाँ अब 3 है, अब 3 नहीं, अब यहाँ 2 रह गई और यहाँ रह गया 5। तो ये इसके लिए प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। अब प्लस में सेम काम इसके लिए, अगर फर्स्ट में ब्लैक निकालता तो ब्लैक कितनी है, 3, और टोटल बॉल कितनी है, 8। सिमिलरली वाइट बॉल के लिए 5/7 इंटू में सिमिलरली क्या आएगा मेरे पास, ब्लैक अभी 2/ क्या आएगा, 6, एंड नेक्स्ट वाइट इज 4/5। ओके, सेम इसके लिए आंसर आएगा इसी टाइप से, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका जो है आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेम है, मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जो है आप ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करके दोनों को जो है ऐड कर लेते हैं, ऐड जब हम करेंगे दोनों को तो मेरे पास क्या रहेगी चॉइस,
कैंसिल कर लो जो कैंसिल होते हैं। देखिए 3 × 2 कितना होता है 6, 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4 से कैंसिल करेंगे तो 2 पे, तो ये 1/14 बचेगा क्योंकि यहाँ 7 है। सिमिलरली इसको भी जब कैंसिल करोगे तो ये भी 1/14 बच जाएगा और ये आ जाएगा 2/14, और 2/14 इज इक्वल टू 1/7। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 1/7 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है कि द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स एग्जैक्ट 2 मेंबर हैड द बर्थडे ऑन संडे। मेंबर कितने हैं, 5 मेंबर है और एग्जैक्ट 2 मेंबर्स का जो बर्थडे है वो किसके अंदर है, संडे के दिन है। इसका मतलब n इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 2। ओके, अब बर्थडे संडे को आएगा तो वो सक्सेस हो जाएगा, और संडे के लिए प्रोबेबिलिटी 1/7, और संडे को नहीं आता उसकी प्रोबेबिलिटी 6/7, मतलब संडे के अलावा जो है वो दिया हुआ है। तो सिंपल है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें लगा लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है NCR P की पावर R Q की पावर N-R, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है, सिंपल है। एन कितना है, 5 है, तो 5 5C2P कितना है 1/7, इसकी होल पावर कितना आ जाएगा 2, एंड 6/7 इसकी होल पावर आ जाएगा n-2 कितना 3। तो ये आ जाएगा 5C2 की जो वैल्यू होती है वो 10 होती है, इनटू में 6 की पावर 3 डिवाइड बाय 7 की पावर 5। ओके, तो ये आंसर है इसके। अगर मैच करूँ तो ये ऑप्शन डी के साथ मैच हो रहा है, तो डी का जो है वो करेक्ट आंसर है। हाँ जी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक कॉइन ए एंड बी टॉस ए कॉइन अल्टरनेटली टिल वन ऑफ देम टॉस हेड एंड विंस द गेम, द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग आर। तो अलग अलग इनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी मेरे को बतानी है, तो पहले जो है इसका आंसर आप खुद बताएं और उसके बाद जो है मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। कमेंट करें जल्दी से, और फिर मैं इसका इजी सा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ इस क्वेश्चन में। देखिए क्या होता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि जब ए और बी जो है कॉइन को टॉस करेंगे अल्टरनेटली, वन ऑफ देम टॉस हेड, टॉसेस हेड एंड विंस द गेम। जब अल्टरनेट टॉस करेंगे, जब जिसका भी हेड आ जाएगा वो टॉस को जीत जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे ए स्टार्ट करता है, ए अगर स्टार्ट करता है तो हेड आ गया तो ए जीत गया, गेम खत्म। अगर ए स्टार्ट करता है, हेड नहीं आया तो फिर बी बी पे जाएगी, बी का हेड आ गया तो गेम खत्म। सिमिलरली फिर ए बी ए फिर से बी, ऐसे चलता रहेगा केस। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बड़ा ही सिंपल है, अगर हेड पूछे या टेल पूछे, अल्टरनेट की अगर मैं बात करूं तो अल्टरनेट के लिए आंसर आप हमेशा याद रखना कि ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/3 आएगी और बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 2/3 आएगी, क्योंकि ए के जीत अगर ए जीतता है तो 1/3, अगर बी जीतता है इसका मतलब ए हार जाएगा, तो ए हार जाएगा तो मतलब 1/3 इसमें से माइनस करेंगे तो 2/3 जो है वो जीत जाएगा, मतलब बी जीत जाएगा। ओके, तो जब हमेशा याद रखना इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिले कि ए बी दो बंदे हैं और दोनों के दोनों अल्टरनेटली कॉइन को टॉस कर रहे हैं और जिसका हेड आ गया वो जीत जाएगा, ठीक है, तो रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी जीतने की क्या होगी, तो वह 1/3 और 2/3। अगर हारने की बोलता है तो इसको भी 1 में से माइनस कर दो, इसको भी 1 में से माइनस कर दो, और इसको भी 1 में से, तो सेम ही आंसर आएगा वैसे, 1/3 और 2/3 ही आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि इफ द बर्थ टू ए मेल चाइल्ड एंड बर्थ टू ए फीमेल चाइल्ड आर इक्वल प्रोबेबल, ठीक है, देन वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द 3 चिल्ड्रन बोर्न टू ए कपल इज मेल। तो इसका आंसर मेरे को जल्दी से कमेंट करके आप बताएं और उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। जैसे 3 कॉइन को मैं टॉस करता हूँ तो क्या सैंपल स्पेस बनता है, वैसे ही जब 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं तो उसके लिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा वो आप देख लीजिए, सेम ही है, या तो बॉय होगा या गर्ल होगी। जैसे बॉय होगा या गर्ल होगी, वैसे ही जैसे जैसे एक हेड होगा या टेल होगा, तो यहाँ भी बॉय और ये गर्ल है तो सैंपल स्पेस बना लीजिए,
तीन के लिए क्या बनेगा। और उसके बाद उसने बोला है कि एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री वर्ने कपल इज मेल, एटलीस्ट कम से कम एक मेल होना चाहिए, तो एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है और तीन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। एटलीस्ट बोला ना तो मतलब एक, कम से कम एक, तो एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो उसके लिए आप देख लीजिए, ठीक है। बड़ा ही आसान सा ये क्वेश्चन है। देखिए इसने बोला एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन बोला है इसने, क्या बोला है एटलीस्ट वन। अब जो तीन बच्चे हैं तीनों में से एक कंडीशन ये हो सकती है कि तीनों के तीनों गर्ल्स हो, तीनों की तीनों गर्ल्स हैं, बाकी कंडीशन रहेगी या दो गर्ल्स या एक बॉय, या मैं कह सकता हूँ दो तीनों के तीनों बॉय। अब ये आगे पीछे हो सकते हैं, कोई बात नहीं चलेगा, ठीक है। या ऐसे हो सकता है कि दो बॉय एक गर्ल, तो टोटल जो है इसका सैम्पल पॉइंट में बनेंगे या तो तीनों के तीनों बॉयज़ बनेंगे, या दो बॉयज़ या एक गर्ल, या पहला बॉय फिर गर्ल फिर बॉय, या ऐसे हो सकता है कि गर्ल बॉय बॉय, ठीक है ना। ऐसे कंडीशन सिमिलरली गर्ल के लिए भी गर्ल गर्ल बी, मतलब गर्ल गर्ल बी बॉय हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है कि जी बी जी, और ऐसे भी हो सकता है कि बी फिर दोनों की दोनों गर्ल, हो सकता है कि तीनों की तीनों क्या हो गर्ल्स हो, ठीक है ना। तो इस टाइप से टोटल मेरे पास कितने बने, एट चॉइस। अब एट में से सेवन ऐसी है जिनमें कम से कम एक बॉय तो है ही है, मतलब इसको छोड़ के बाकी सभी में कम से कम एक बॉय है, तो इसके लिए 7/8 जो है इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है इसका क्या आ जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आसान ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये कहता है कि द चांस ऑफ विनिंग द रेस ऑफ ए हॉर्स ए इज दिस एंड द चांस ऑफ हॉर्स बी इज दिस। एक हॉर्स ए है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/5, एक हॉर्स बी है उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रेस विल बी वॉन ए और बी, इसने बोला ए और बी। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि जब बीच में आ जाता है और, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी कर देते हैं ऐड, तो इन दोनों को ऐड ही तो करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे एलसीएम आएगा 30 और ये आ जाएगा 11, और 11/30 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू पर्सन बीइंग बोर्न ऑन द सेम डे, सेम डे पर जन्म होना चाहिए, इग्नोरिंग डेट, डेट को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना, मतलब डेट नहीं देखने, डे सेम देखना है, डे सेम मतलब दोनों का, दोनों जिनको जन्म है वो संडे को होना चाहिए, दोनों का जन्म है या मंडे को, सॉरी मंडे को होना चाहिए, इस टाइप से। देखिए बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, देखिए डे अपने पास कितने होते हैं, सात, संडे होगा या मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा, फ्राइडे होगा, सैटरडे होगा, ठीक है ना। तो ये 7 डेज आ गए। अब दो पर्सन है, मान लेता हूँ ए है एक और एक बी है, दोनों का जन्म है वो एक ही दिन हुआ है, या तो दोनों का जन्म संडे को हुआ होगा, या मंडे को, या ट्यूसडे को, या वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को, दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ है, टोटल दिन कितने हैं 7। अब इन 7 में से उनका जन्म किसी भी दिन हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन एक ही दिन में होगा, या तो संडे में होगा, या मंडे में होगा, ट्यूसडे में होगा, वेनसडे में होगा, ये इसमें नहीं होगा, तो ये आ जाएगा इसका 1/7, ठीक है। अगर संडे, तो संडे एक ही संडे है, ऐसे तो है नहीं, संडे तीन चार होते हैं एक वीक के अंदर, एक ही संडे होता है, तो संडे को अगर जन्म होगा तो संडे की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/7। सैटरडे के अगर जन्म होता है उनका, तो सैटरडे की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/7, सभी की जो प्रोबेबिलिटी होती है इसमें 1/7 होती है, कोई भी आप डे उठा लो, ठीक है ना। तो यही है, तो इसकी आंसर भी क्या आएगा 1/7, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो दिया हुआ है, ए की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.25, बी की प्रोबेबिलिटी भी आपको गिवन है 0.50, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको गिवन है 0.14। देन प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको ए इंटरसेक्शन बी नोट की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि ए इंटरसेक्शन बी नोट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी।
तो देखिए आसान ये क्वेश्चन है कि जब भी आपको ए इंटरसेक्शन बी नोट पूछे तो क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी माइनस करनी। ये कहता है कि इंटरसेक्शन और इसके बी नोट के बीच का कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ए और बी नोट के बीच में क्या कॉमन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी, तो ए में से इनकी कॉमन प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे, जो बी के साथ प्रोबेबिलिटी होगी ना कॉमन वो माइनस कर देंगे, तो ए और बी नोट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अगर वो पूछता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी, तो उस केस में बी की प्रोबेबिलिटी में से मैं इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या कर देता, माइनस कर देता। ओके, तो सेम आपको ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.1525 माइनस में 0.14, दिस इज इक्वल टू 1 1, 0.11। ठीक है ना, तो इसमें जो है ये आंसर में नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मेरे को आप खुद बताएं। ये कहते हैं कि वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, टोटल कार्ड कितने हैं, 52 कार्ड्स है, देन प्रोबेबिलिटी दैट ए किंग एंड ए स्पेड। एक कार्ड निकाला या तो वो किंग होगा या स्पेड होगा, तो किंग कितने होते हैं 4 और स्पेड कितने होते हैं 13। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे को आप बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए। चलो देखो मैं आपको करवाता हूँ, किंग के लिए मैं इवेंट ए मान लेता हूँ और स्पेड के लिए मैं इवेंट बी मान लेता हूँ। अब एक बात देखिए, किंग की प्रोबेबिलिटी मतलब ए की प्रोबेबिलिटी, किंग कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 4/52 मतलब 1/13 होती है। बी कार्ड मतलब क्या कि जो कार्ड है वो स्पेड का है, स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी मेरे पास, स्पेड की प्रोबेबिलिटी आएगी मतलब थोड़ा स्पेड कितने बचते हैं 13, 13/52 इज इक्वल टू 1/4। इसने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और मतलब यूनियन बी, और ये यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ और आ गया तो इन दोनों को सिंपली ऐड नहीं करना, क्यों ऐड नहीं कर सकते, सिंपली ऐड इसलिए नहीं कर सकते कि दोनों में एक चीज़ कॉमन भी हो सकती है, और वो कॉमन क्या कि जो किंग है वो स्पेड का भी हो सकता है, और किंग के स्पेड कितने होते हैं दो, एक होता है किंग की, जो स्पेड मतलब चिड़ी का पत्ता, जैसे मैं देसी भाषा में कह सकता हूँ, ठीक है ना, तो 13 पत्ते होते हैं टोटल, और 13 में से एक जो है वो किंग का होता है, तो स्पेड का किंग कितना होता है, एक ही होता है, एक होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब वो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है तो इंटरसेक्शन जो है वो कुछ ना कुछ आ रहा है, और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है कि 1/52, क्योंकि एक ही कार्ड ऐसा होता है किंग का जो स्पेड का हो, तो टोटल कार्ड कितने 52, तो इसमें से अब इसको ऐड करेंगे कि 1/13 प्लस में 1/4 माइनस में 1/52। ओके, इसलिए मैं सिंपल इनको और मतलब ऐड नहीं कर सकता, आपको समझ में आया, क्योंकि अगर दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन ना होती ना, दोनों के दोनों क्या होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, तो मैं सिंपली इनको ऐड कर लेता। ओके, तो इस हिसाब से दोनों में कोई भी चीज़ इंटरसेक्शन मतलब अगर दोनों का इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी है तभी इनको सिंपली ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है क्योंकि किंग और स्पेड में रिलेशन बनता है। नेक्स्ट इसका आप देख लीजिए क्या आएगा, आप जो है इनके एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे क्या आएगा मेरे पास, इसका एलसीएम लेने के बाद ये जो है बनेगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 17/52, ये आएगा 1/52, दिस इज इक्वल टू 16/52, और कैंसिल लेने के बाद मेरे पास ये आ जाएगा, ये 4 पे गया, ये 13 पे गया, तो 4/13। ओके, तो 4/13 जो है इसका आंसर आया, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि फ्रॉम ए पैक को 52 कार्ड्स, टू कार्ड्स आर ड्रोन इन सक्सेसिव 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ आर एस। तो सेम ही है क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि बोथ के दोनों के दोनों जो है वो एस के कार्ड होने चाहिए, तो देखिए इसका आंसर मेरे को पहले आप बता दीजिए और उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन आपको करवाता हूँ। आसान सा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के जो है बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें भी करवाया हुआ है।
दो कार्ड है, टोटल कार्ड कितने हैं 52, और इसमें से दो कार्ड निकालने हैं और दोनों के दोनों ऐश के पत्ते होने चाहिए, इक्का जिसको बोलते हैं हम। देखिए टोटल कार्ड्स कितने हैं आपके पास, टोटल कार्ड्स है 52, ठीक है ना। अब दो कार्ड आपको निकालने हैं, जो फर्स्ट मैं कार्ड निकालूंगा तो ऐश के पत्ते कितने होते हैं आपके पास, फोर, कितने होते हैं फोर, ठीक है ना। तो 4C2 डिवाइड बाई 52C2, सिंपल है कि चार में से दो निकालने हैं, दोनों के दोनों ऐश के पत्ते हैं और 52 में से दो। तो 4C2, 4C2 की वैल्यू क्या हो गया, 4 × 2 / 2 × 1 डिवाइड बाय 52 × 51 डिवाइड बाय 2 × 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 × 3 डिवाइड बाय, माइनर मिस्टेक हो गई अपने, सही, क्या मिस्टेक हो गई देखिए। हाँ सही है, बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं हुई, देखिए हाँ सही है। क्या आएगा इनकी प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आएगा 52 × 51 जो है कैंसिल होता है, उसको कैंसिल कर दीजिए, देखिए ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया 13 पे और ये कैंसिल हो गया 17 पे, यहाँ 51 है ठीक है, तो ये 17 पे गया, कैंसिल हो गया, और मल्टीप्लाई करने पर ये मेरे पास आ गया 1/2 to 1। तो हाँ जी ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो बड़ा ही आसान सा ये क्वेश्चन था, इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि थ्री कॉइन्स आर टोस्ट टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हैड डालना चाहिए, और ये क्वेश्चन तो माइंड के अंदर आपके होना ही होना चाहिए। क्या कि मैंने बताया था कि एटलीस्ट थ्री कॉइन्स आर टोस्ट, देखो लैंग्वेज में चेंज आया है, अगर मैं इसी को बोलता कि एक कॉइन है जिसको मैं थ्री टाइम जो है वो टॉस करता हूँ कि एट लीस्ट कम से कम एक हेड आना चाहिए, मैंने ये क्वेश्चन करवाया था जब फर्स्ट वीडियो बताई थी, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, क्या होती है 1/2, और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है 1/2। तो क्या करते हैं, जब एटलीस्ट वन की बात करें, एटलीस्ट वन की द्वार से देख ली, एटलीस्ट वन की बात करें तो वन में से माइनस कर दो ना आने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन कितने टाइम उछालता है, थ्री टाइम, तो उसकी पावर कर दो थ्री, तो 1 − 1/8, तो ये आ जाएगा 7/8, इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। देखिए थ्री कॉइन को टॉस करो टुगेदर एक साथ, या एक कॉइन को टॉस करो तीन बार, तो बात ये क्या है, एक ही है, तीनों जो है लैंग्वेज में चेंज है लेकिन मीनिंग जो है वो क्या बनेगा, सेम ही बनेगा, मीनिंग जो है वो क्या बनेगा, सेम ही बनेगा ओके। और ये क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं, तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा आपके सामने, वो क्या आएगा आपका 7/8 आ जाएगा ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक प्रॉब्लम है इन मैथमेटिक्स इज गिवन बाय थ्री स्टूडेंट ए बी सी, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम इज दिस, ठीक है ना। प्रॉब्लम देखो मैथमेटिक्स एक प्रॉब्लम है, अगर ए उसको सोल्व करता है उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, बी अगर उसको सोल्व करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3, एंड सी अगर उसको सोल्व करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, ठीक है। इसने बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सोल्व, प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो गई। अब देखिए प्रॉब्लम सोल्व हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ए नहीं भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, सी भी कर सकता है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ए बी सी है, उनके सोल्विंग करने की प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और प्रॉब्लम क्या होगी, सोल्व होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तब क्या करते हैं सिंपली, अगर यहाँ क्वेश्चन पूछता प्रॉब्लम नॉट सोल्व, क्या करता नोट सॉल्व करता, तब क्या करते हैं आप, ए के ना करने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो वो कहेगी 1/2, बी के ना करने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो वो कहेगी 2/3, मतलब 1 में से इसको माइनस कर देते हैं, सी के ना करने की प्रोबेबिलिटी वो कहेगी 3/4, इसको भी 1 में से माइनस कर देते हैं। अगर क्वेश्चन होता कि नोट सोल्ड, नया नोट लिखा था, तो इन तीनों की आप क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इन तीनों की क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता 1/4, तो ये प्रोबेबिलिटी आती नोट सोल्ड करने की। लेकिन इसने पूछा है सोल्ड करने की, तो ये है नोट सोल्ड करने की, और सोल्ड करने की जब निकालेंगे, इसको सोल्व करने के निकालेंगे, तो क्यों ना 1 में से 1/4 को माइनस कर दिया जाए और वो आ जाएगा 3/4, या 3/4 किसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, और ये 3/4 प्रोबेबिलिटी आएगी प्रॉब्लम सोल्व करने की, और ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ जी
दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सेम। अगर नोट सोल्व का करने का पूछते तो डायरेक्ट आपको नोट निकाल के मल्टीप्लाई कर देना है 1/4 आंसर। लेकिन इसने सोल्व करने का बोला है तो पहले आप नोट सोल्व की निकाल लीजिए, उसके उसको 1 में से माइनस कर दीजिए, वो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि इफ टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली देन प्रोबेबिलिटी दैट वन कम्स ऑन फर्स्ट डाइस इज, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब दो डाई को थ्रो करेंगे तो वन जो है फर्स्ट डाई पे आना चाहिए। तो आपको सभी को पता है कि वन वाली लाइन आ जाएगी, 1 1 1 2 अप टू सो ऑन 1 6, तो इन पे ही जो फर्स्ट डाई पे 1 आता है वो 6 है, डिवाइड बाय टोटल कितने होते हैं 1/36, ये आ जाएगा 1/36 इसका जो है आंसर आ जाएगा। ओके तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए फैमिली ऑफ फोर चिल्ड्रन वेयर विल बी एट लीस्ट 1 बॉय, उनमें से कम एक बॉय होना चाहिए। तो सेम ही क्वेश्चन आ गया, सेम ही क्वेश्चन आ गया। देखिए एक फैमिली है, वही सेम क्वेश्चन कि मेरे पास, मैंने बताया था कि चिल्ड्रन के केस में वही जैसे हेड और टेल का केस होता है ना, वैसे ही चिल्ड्रन का केस होता है। या तो बॉयज हो सकता है या गर्ल हो सकती है, दो ही टाइप के चिल्ड्रन। अब चार है तो इसमें का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि चारों के चारों को बॉयज हो सकता है कि 3 बॉय एक गर्ल हो सकता है कि चारों के चारों गर्ल्स हो, इस टाइप से कंडीशन बनेगी। सेम ही हेड और टेल के लिए कंडीशन बनती है। अब चार बच्चे हैं तो मैं ऐसे इस चार बच्चों का ऐसे लग रहता हूँ, ऐसे सोचता हूँ कि एक फैमिली है जिसके अंदर चार बच्चे हैं, मतलब एक कॉइन को 4 बार टॉस किया या 4 टाइम टॉस किया, देयर एटलीस्ट 1 बॉय, बॉय को मैं हेड मान लेता हूँ क्योंकि बॉय और गर्ल जैसे है वैसे हेड और टेल होते हैं, दो ही आते हैं और दो ही आते हैं। ठीक है, तो एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब एक कॉइन को 4 टाइम टॉस करूंगा एटलीस्ट कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। सेम बॉय की प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है 1/2, और बॉय की ना होने मतलब गर्ल की प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है 1/2। तो 1 में से माइनस कर देंगे 1/2, और कितने यहाँ है 4 है तो इसकी पावर 4, दिस इज इक्वल टू 1/16 और इज इक्वल टू 15/16। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो अपने को निकालनी है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि इफ ए एंड बी टॉस 2 कॉइंस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट गेट इक्वल नंबर ऑफ हेड, दोनों के अंदर जो है वो इक्वल नंबर ऑफ हेड आने चाहिए। तो इसका आंसर मेरे को आप जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं इसको आपको करवाता हूँ। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, जैसे ए भी है 2 कॉइन को टॉस करेगा और बी भी 2 कॉइन को टॉस करेगा। ए अगर 2 कॉइन को टॉस करता है सैंपल स्पेस क्या बनेगा, ये बनेगा, और बी भी अगर 2 कॉइन को टॉस करता है सेम ही सैंपल स्पेस बनेगा, सेम ही सैंपल स्पेस बनेगा। इसने क्या बोला, इसने बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेट इक्वल नंबर ऑफ हेड, दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ हेड होने चाहिए। तो यहाँ दो केस बनते हैं कि देखो यहाँ दो हेड है तो इसमें भी यहाँ दो हेड है, तो यहाँ कितनी चॉइस होगी, ए के अंदर दो हेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, बी के अंदर दो हेड होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है 1/4। तो दोनों की पहले तो मैं क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जब दोनों के अंदर नंबर ऑफ हेड कितने हो, 2 हो, 2 इक्वल हो, दोनों मतलब ए और बी के अंदर, ए और बी के अंदर नंबर ऑफ हेड क्या होने चाहिए 2 इक्वल होने चाहिए, तो उस केस में ये प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है 2 हेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4, तो ये आगे 1/ जो है मेरे पास 16। ठीक है, सिमिलरली ये भी हो सकता है, देखना यहाँ भी 1 हेड है, यहाँ भी 1 हेड है, यहाँ भी 1 हेड है और यहाँ भी 1, तो ए के अंदर 1 हेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए के अंदर 1 हेड, एक तो इसमें और एक इसमें, मतलब दो चॉइस है, दो ऐसे हैं जिसमें टोटल कितने हैं 4। सिमिलरली बी के अंदर 1 हेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/4, तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1/2, ये भी 1/2, तो ये आया 1/4, तो ये आ गया नंबर ऑफ 1 हेड इक्वल,
जब दोनों में एक हेड इक्वल होगा तो लास्ट में क्या कर देना, दो चॉइस है, इसने बोला नंबर ऑफ हेड इक्वल होने चाहिए, तो यह सकता है कि दोनों हेड इक्वल हो या वन हेड इक्वल हो, जब भी और आए दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड, दोनों को ऐड करने पर मेरे पास आंसर आ जाएगा और ये आ जाएगा 5/16। एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे, 5/16 इसका आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनियन दिया है, इंटरसेक्शन दिया है, बी नोट दिया है, बी नोट दिया है तो बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2, क्योंकि 1 में से माइनस कर देंगे। अब ए नोट की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए और वो नो माइनस कर दीजिए। ए की प्रोबेबिलिटी क्या, यूनियन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ए प्लस में बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। इसकी प्रोबेबिलिटी पता है, इसकी प्रोबेबिलिटी पता है, इसकी प्रोबेबिलिटी पता है, ए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी और 1 में से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो प्लीज़ इसका आंसर मेरे को आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन है, ये कहता है कि इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट द यूनियन, यूनियन की प्रोबेबिलिटी गिवन है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी गिवन है और इनके ए की प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बी की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो सेम ही क्वेश्चन आ गया, डिट्टो क्वेश्चन। यहाँ बी ए नोट की प्रोबेबिलिटी पता है तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/3, क्योंकि 2/3 को 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। अब यूनियन की प्रोबेबिलिटी पता है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पता है और बी ए की प्रोबेबिलिटी पता है, तो सेम फॉर्मूला लग जाएगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। यहाँ से बी की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर भी आप मेरे को कमेंट करके बता दें। ओके फ्रेंड्स, तो दोनों बता देना आप क्वेश्चन मेरे को क्या आंसर आएंगे। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी के क्वेश्चन करने वाले हैं और जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके अंदर थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, इस क्वेश्चन से थोड़े हार्ड लेवल के, ठीक है। तो इसके बाद जो है मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी एक दो तीन तीन वीडियो और आने वाली हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, जिसके अंदर दो वीडियो, एक वीडियो इसके बाद आएगी जस्ट, और एक बार एक वीडियो और आएगी जिसके अंदर थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन आएंगे, और जो तीन नंबर वीडियो होगी मतलब लास्ट, जैसे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, ये सेकंड लेक्चर है, और इसके बाद 3 और 4 दो लेक्चर आएंगे जिसके अंदर थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन आएंगे, और जो फिफ्थ लेक्चर रहेगा उसके अंदर मैं आपको लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस जो है वो करवाने वाला हूँ। तो वहाँ से अपना प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक है वो 100% कवर हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं रहने वाला, तो एग्ज़ाम में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको आता नहीं होगा। ओके, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन जो है हम कर चुके होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, अगर आपको कहीं डाउट है तो कमेंट कर दें मेरे को, ठीक है। और जो लास्ट टू क्वेश्चन है उनका आंसर भी मेरे को आप जो है कमेंट कर दें। तो प्लीज़ आपको कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही, जिसमें से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस वजह से आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और वीडियो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ के साथ बेल आइकन का बटन जो है वो जरूर दबा ले, ताकि आगे जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, तो नोटिफिकेशन पहुँचना जरूरी है, क्योंकि आपको वीडियो का पता नहीं चलेगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, क्योंकि नोटिफिकेशन जब जाएगा वीडियो को आपको पता चल जाएगा कि हाँ वीडियो इसके अंदर मैंने अपलोड कर दी है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।